तो भैया ये कहानी है उस शहर की वेयर डेथ इज सेलिब्रेटेड एंड द सिटी विच इज नोन टू बी द ओल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वो जगह जहाँ पे शूटिंग हुई है। रांझना हुआ मैं तेरा, या फिर तू किसी रेल सी गुजरती है। कुछ लोग इसे बनारस के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे वाराणसी के नाम से बोलते हैं, बट प्यार से सब लोग इसे काशी बोलते हैं। अब बनारस आके सबसे पहला काम जो करना होता है वो है पान खाना, क्योंकि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंडा का ढाला बेटा। हाँ ये क्या है, गुलाब जल? गुलाब अगर खाना की तरह खा लेंगे तो मजा नहीं आएगा, साइड में दबा के उसका धीरे धीरे आने लगे। जी पैसा दीजिए, जूस निकल रहा है, अगर जूस है पिचकारी निकल रही है, पैसा तो दीजिए। जूस फ्लो होता आएगा, हर दो सेकंड में ऐसा पिचकारी निकलेगी और ऐसा ऑर्गेजम आएगा। बनारस नहीं आए, पान नहीं खाया तो क्या खाया। हेलो रेनू शरद पर जुड़े चैनल, और ये जो बदमाशियाँ दिखाई हैं विक्की कौशल ने अपनी मूवी मसान में, उसका हम डायलॉग रिपीट करना चाह रहे हैं। ये पैंजा मारा है जो आयु जाता नहीं है। वो कहते हैं कि तू किसी रेल से गुजरती है। आगे तुम बोलिए। मैं किसी पुल सा थरथरा, ऐसे एनर्जी में बोलना था ना कि मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। अरे यहाँ कभी ऐसा होता है कि लोग पान के बिना बात करें है? तो आप तो बात नहीं कर पाएंगे हमसे। किसका? आलिया भट्ट घाट। आलिया भट्ट घाट, आलिया भाई घाट। आओ 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 आओ। कैसे खिलाना है? अयो बहनों, मैं तुम सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ तो भैया, हमारे यूपी में बीच भी है, बनारस में सुंदर नहीं है। जैसे अंकल बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे फॉरेनर्स आती हैं और यहाँ पे गाइड से और ये सीन बन जाते हैं, सीन बन जाते हैं उनके पूरे, तो हम भी आएंगे काशी। काशी क्योंकि बुलाया गया हमें तो आएंगे, गाइड बन जाएंगे बस। शादी करें वहाँ से फिर देख लेंगे, पापा से बात करनी है। अच्छा तो मैंने बनारस की वांग स्पेशल ब्लू लस्सी और सारे स्ट्रीट फूड ट्राई किए, बट एक जो चीज़ दिल को छुई। मलइयो क्या होता है? मलइयो यही होता है। ये क्या होता है? ये दूध का बड़ा झाग होता है, इसको फेंट के निकालते हैं। ये सर्दियों में हमारे यहाँ बनता है। सर्दियों में क्यों? इसलिए कि इसको क्लाइमेट को ठंडा चाहिए, बाहर का भी और यहाँ बनता है वहाँ सेफ हो जाता है। ठीक है, ये लीजिए, है मलइयो। केसर केसर हो गया, बहुत मजा आया भाई। बड़ा छोटा लगा यार, मेरे को मना कर दिया, मेरे को तो बीजेपी गैंग का मेंबर बना दिया भाई पूरा। शहर बहुत है जहाँ लोग जीने जाते हैं, पर इकलौता बनारस ही है जहाँ लोग मरने आते हैं। हमें तो मौत के लिए बुलाया है दिल्ली। तो जो लोग जिन लोगों ने जीते जी मरने की तैयारी कर ली है, उनको बोलो दिल्ली मुंबई में घुट घुट के मरने से अच्छा है बनारस आ जाएं, साथ में मरते हैं। ब्यूटीफुल। We can live.
आधी रात में अगर बनारस के घाट पे तुम घूम रहे हो और तुम्हें बहुत तेज सुसु लग जाए तो सेफ स्पॉट मिल ही जाता है। बहुत तेज सुसु लगी थी और अब हम जा रहे हैं सुसु करने। वहाँ बॉडी चल रही है, यहाँ ओल्ड मंक चल रही है। 3 लाख का कितना पैसा देगा? 150 रुपया देगा? 3 लाख पर नाइट। भाई साहब जेफ बेजोस रुका था वहां पे, है ना, और इसने देखा था जेफ बेजोस को। क्या बोला तूने? मेरा पार्सल कहाँ है? मेरा जोक चुरा लिया। भाई कितनी लकड़ियाँ हैं? लाशें जलती 24/7। हाँ 24/7 लाशें जलती। अबे दिन में एक सेकंड तो होता है, नहीं जलती है। कभी तो कमी पड़ती होगी, कभी तो कमी पड़ती होगी। अबे तो अभी रात के कितने बज रहे हैं? 12:30 एक बज रहे हैं। अभी कितनी लाशें जल रही है? गिन ले, लगभग 20। अगर रात के 1 बजे 20 जल रही है तो दिन में तो सोच, वेटिंग होती है भाई। वेटिंग। विक्की कौशल कहाँ है भाई? विक्की कौशल को ढूंढो, उसका दुख खत्म हुआ कि नहीं पता करें। यही शूट हुआ है? यही शूट हुआ है ना, उसकी गर्लफ्रेंड का भी यही हाथ मिला था, रिंग मिली थी रिंग। ये लाशें जल रही है, वो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई कर रहे हैं वो। भाई साहब खुद एक लाश के मालिक है वो। पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं हो रही इस दुनिया की। मतलब ये पूरा एक कमर्शियल स्पेस भी है, यहाँ पे जो लकड़ी बेचते हैं वो एक तरीके से एक मतलब पूरा प्रॉपर माफिया टाइप होते हैं, जो जलाते हैं वो प्रॉपर एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जो स्पेस है ना, ये पूरा ये जो बैरिकेडिंग के अंदर है, हाँ। ये एक VIP द्वारा वो होता है, सिर्फ कुछ VIPs के लिए ये अलॉटेड होता है, इसका अलग प्राइसिंग होता है। मनी करने का आगे पता तो ये चलता सारा नाले में जलेगा। दिस इज़ द एंड। तो सोच कि अगर एक नॉर्मल डे पे रात को 1 बजे 20 बॉडी जल रही है तो कोविड में क्या कंडीशन होगी? क्या था ना, 5,000 रुपये कंधा देने के लगते थे और दो दो दिन वेट करना पड़ता था बॉडी जलाने के लिए, इसीलिए लोग उधर जाके गाड़ देते थे। मसान होली उसी होती है। मसान होली? मसान होली क्या होता है? मसान होली, मसान होली में बेसिकली ये जो एशेज जल रही है ना, होली एक हफ्ते पहले यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जो एशेज जल रही है इससे होली खेलते हैं। पूरा साधु वधु अघोरी जो होते हैं, अघोरी कहते हैं नागा बाबा, वो सब आ जाते हैं यहाँ पे। फॉरनर्स बहुत उसमें इन्वॉल्व होते हैं और पूरा एशेज से होली होती है। बहुत ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? भाई तू देखिएगा ना, क्रेजी होती है, क्रेजी। तूने खेली है? देखी है। पक्षी बुला रहे थे, कुत्ते तक आ गए। चुप करेगा भाई तू, वो कुछ बोल रहा है। कट रिप्ले। मैं घूमूं पूरी दुनिया पर, मुझे इश्क हो बनारस सा। मैं घूमूं पूरी दुनिया पर, मुझे इश्क हो बनारस सा। जोया सी कोई लड़की हो जिसका मैं कुंदन बन जाऊं, वो थप्पड़ मारे बीच शहर, मैं पिघल के उसमें गिर जाऊं। हर एक थप्पड़ को गिन गिन कर माला मोती की पिरवा लूँ, हर मोती का माथा चूमूं और शहर बनारस लिखवा लूँ। असली सुंदरता तो यहाँ यहाँ तारा सुतारिया रुकी है और सुनील शेट्टी का बेटा, नाम क्या है उसका? सुनील शेट्टी का बेटा। हम भी तो यही रुके हैं। 3,000 रुपये? 3 लाख का रूम रुके। मित्र शिवांश ने कहा था मुझसे कि बनारस वो जगह है विच इज ऑल अबाउट अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट नाइट्स, और मैं मान चुका हूँ कि इट्स ऑल अबाउट अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट नाइट्स।
सूरज एंड तारा सुपरमैन अंकल नहीं नो अंकल अंकल अबे यार देखो आ गए क्या प्रेम में अरे कोई तकलीफ नहीं है और अंकल की ब्यूटीफुल आवाज है ये बता रहा था। तो फर्स्ट डे जब मैं बनारस आया मैंने इंस्टाग्राम पर बनारस की स्टोरी डाली देन मुझे एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे जो कि ये था कि लोग यूजुअली बनारस आते हैं तो अपने हार्ट का एक पीस बनारस में छोड़ जाते हैं इतना प्यार आता है। एंड ऑनेस्टली पहले एक दो दिन आई वाज स्केप्टिकल अबाउट बनारस की यार गलत जगह आ गया इससे बड़े तो किसी बीच या पहाड़ वाली जगह चलते हैं यहाँ क्या बोर होगा मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। दो दिन के बाद मुझे जगह समझ आने लगी। अगर तुम बनारस के बारे में ऐसा सब सोचो कि कुछ एक्स्ट्रा ही सुंदर कुछ हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल देगा वैसा नहीं है बट इस जगह की वाइब ना कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें तुम समझा ही नहीं पाते कि तुम किस चीज़ की वजह से इतना खुश हो गए इतना मज़ा आ गया। मतलब बनारस में मैं 5 दिन रहा और ऑलमोस्ट 4 दिन मैं रोज़ 10-10 किलोमीटर बस घाटों पर वॉक करता था। मैं और हर्ष दोनों बस घाट पर वॉक करते रहते थे और उसमें एक सुकून था एक ठहराव था। मेरा मन बस ये करता था कि भाई बैठे रहो अपना सुकून से चिल करो मौसम का मज़ा लो वाइब का मज़ा लो कुछ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग बट अलग खुशी थी। और एक तो यहाँ के लोग अखंड बक हम उस दिन एक दिन बैठ के बातें कर रहे थे कि अनुराग कश्यप तिग्मांशु धूलिया अनुभव सिन्हा इन सबको एक कॉन्टेंट अपने इतना ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट कहाँ से मिलता है क्योंकि इन्होंने ये लाइफ जी इन्होंने ये ज़िंदगी देखी है यहाँ के लोगों की बातें सुनी है। उस दिन हम मार्केट में घूम रहे थे तो ये दो बातें मेरे दिल को छू गई। एक तो ये कि एक अंकल किसी को ना फ़ोन पर कुछ समझा रहे थे तो वो पान खाकर समझा रहे थे उनको समझाना नहीं आ रहा था तो उनका डायलॉग सुनना उन्होंने ऐसा थूका पान बोलते हैं शायद तुमने बात समझाने के लिए हमें अपने 5 रुपये का पान थूकना पड़ गया अबे बस। और एक दूसरी चीज़ मैंने सुनी वो एक आदमी कहता है जो इंसान देता है वो हाथ डाल के लेता भी है वापस तो तुम यहाँ के लोगों की बातें सुनोगे यहाँ के लोगों की सुनोगे ना तुम्हें मज़ा तो आएगा ही आएगा वो तो एक अलग पार्ट है। बट आई वुड वॉन्ट मेट्रो सिटी में रहने वाले पीपल जो आज तक शहरों में ही रहे हैं उन्होंने ऐसी यूपी की ये वाली ज़िंदगी नहीं देखी ऐसे लोगों से नहीं मिल रहा मैं चाहता हूँ वो आए उनके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा बिकॉज उस टाइप के लोगों से वो मिले नहीं हैं ऐसे बकर लोगों का ये बहुत मिसकंसेप्शन रहता होगा कि भाई यूपी वाले बड़े हरामी होते हैं बदतमीज होते हैं बट ऐसा नहीं है सबके लिए। यहाँ के तो बहुत ही प्यारे स्वीट लोग मिले जितने भी मुझे मिले यहाँ के लोकल्स एंड मिले पहली बार ऐसा हुआ है नॉट पहली बार बट वेरी फ्यू टाइम्स ऐसा होता है कि यार मैं उस जगह पर बहुत ज़्यादा खुश आता हूँ मेरा दिल आता है उस जगह पर मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए वो नहीं होते कुछ शब्द या मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊँ समझ ही नहीं आ रहा है बट बनारस हैज़ माई हार्ट वो जो मैसेज था वो सही निकला एकदम सच बात है ये अब चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया एक आखिरी बनारसी पान खाने का और एक ग्लास पान पीने का क्योंकि यहाँ पे वो लीगल है। सो टिल देन ट्रैवल मोर मीट यू पीपल मोर टॉक टू पीपल मोर अपनी स्टोरी सुनाओ उनकी स्टोरी सुनाओ हंसो मुस्कुराओ खुश रहो बक करो क्योंकि क्या पता कल होना हो।